सिर्फ एस टी और एस टी से झांकियों को आगे बढ़ना है। दूसरे क्रम पर जो झांकी आप देख रहे हैं वो झांकी साहित्य संचालक मत्स्य उद्योग किला बड़वानी की तरफ से झांकी हमारे बीच में है। मंगेशियस मछली का पालन किया जाता है जिसमें 3000 प्रति पाउंड मछली बीज का संचयन किया जाकर 3000 मीट्रिक टन में जो बताया जा रहा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें योजना को दर्शाया गया है जिसके अंतर्गत पशुपालक अपने बीमार पशुधन का उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, मछलीकरण एवं अन्य विभागीय सेवाओं का लाभ मात्र 150 रुपए में ले सकते हैं। चलित चिकित्सा इकाई के वाहन में घर पहुंच सेवाएं देने के लिए एक पशु चिकित्सक, एक पैरावेट तथा एक वाहन चालक भी है। कृपया झांकियों को आगे बढ़ाएं। आपातकाल में तुरंत पशुओं की सहायता करने की भी व्यवस्था की गई है। क्रम एक की झांकी शीघ्रता से अंतर्गत जो क्रांतिकारी परिणाम हमारे सामने देखने को आए हैं उसका भी इसमें प्रदर्शन किया गया है। शने शने हमारे समक्ष झांकियां आती हुई मंच के समक्ष से गुजरेगी। जोरदार तालियां बजाकर अब झांकी का अभिनंदन भी करेंगे। बहुत परिश्रम से ये झांकियां तैयार हुई, एकदम जीवंत विशाल बृहद झांकियां हमारे समक्ष आ रही है। झांकी की अगवानी करता हुआ यह बैंड के ये कलाकार अपने ताल से करता है। मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिलेट के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी के सघन प्रयास चल रहे हैं और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में यह झांकी जो हमारे समक्ष है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला बड़वानी की। कृपया झांकी को आगे बढ़ा लीजिए। झांकी के आगे भजन मंडली अपने भजनों के माध्यम से वातावरण का निर्माण करते हुए लोक भाषा के ये भजन कृपया आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। खेल शिक्षकों से अनुरोध पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाई में 1962 योजना को दर्शाया गया है जिसके अंतर्गत पशुपालक अपने बीमार पशुधन का उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बाध्यकरण एवं अन्य विभागीय सेवाओं का लाभ मात्र 150 रुपए में दिया। के तहत टेंट लागड़ी तान छे प्रति माह 1250 रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा टेंट लागे जिससे महिलाओं की घरेलू आवश्यकताओं के साथ साथ आर्थिक अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग सूचना की शक्तियों के साथ अलग अलग संदेश देती हुई महिला बाल विकास विभाग की यह झांकी हमारे बीच में आ रही है। मंच के समक्ष पहुंच चुकी है झांकी महिला सशक्तिकरण वर्तमान की आवश्यकता।